काफ़ी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, जो भी ट्रेनें आ रही हैं उन पे वैसे तो यात्री भी काफ़ी कम हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही है उनकी ट्रेन से आधा घंटा 15 मिनट पहले। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। उससे पहले अगर कोई आता है तो उसे समझाइश करके स्टेशन पे दूर रहने की हिदायत दी जाती है ताकि भीड़ भड़क का ना हो, किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। सभी यात्री भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हर तरह से कोऑपरेशन है। उसमें उनको समझाया जा रहा है कि आप जिस होटल में थे उसी में वापस चेक इन कर लें थोड़ी देर, और जब भी आपकी ट्रेन है उससे 15 मिनट या 20 मिनट पहले रेलवे परिसर में आ जाएं और तब अपनी ट्रेन की बोर्डिंग कर लें। जी सर, मैं सुबह 7 बजे से लेकर ड्राइविंग कर रही हूँ, तो मतलब पैदल वॉकिंग कर रही हूँ मैं और मेरी दीदी और एक छोटी बच्ची है, तो हम लोग को दिक्कत हो रही थी, पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, खाने पाने की भी थोड़ी दिक्कत होने लगी, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे आए, तो वहाँ पे आए तो हम लोग को पुलिस वाले अंदर आने नहीं दे रहे थे, बोले ट्रेन रद्द है। फिर बाद में बोले कौन सी गाड़ी है, तो मैं बोली जयपुर बांद्रा है, तो जयपुर बांद्रा के लिए उसने बोला, तो मैंने बोला ठीक है। तो थोड़ा देर पहले हम लोग को उसने 15 मिनट बोले एंट्री देंगे, एंट्री भी नहीं दिए। फिर थोड़ा देर हम लोग बाहर खड़े हुए थे, फिर अभी आए तो फिर उन लोगों ने अंदर एंट्री दिया, तो इधर पर ना चाय पानी नाश्ता नहीं सब कुछ बंद किया गया तुम्हारे अजमेर में। कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है आपको? सर हम लोग 5 दिन से तो उठा रहे, होटल वाले बोल रहे कि होटल खाली करो, इधर पे पूरा खाली करने के लिए बोला है, हर चीज़ का मतलब दिक्कत हो रही है ना सर। टिकट हम लोग 4 कैंसिल करे। कितने दिन हो गए अजमेर में? हम लोग आज का 6ठा दिन है सर। अजमेर में किस काम से आए थे? सर हम लोग घूमने के इरादे से आए थे, हमारा हम लोग 5 दिन इधर घूमे, तो हम लोग जयपुर जा रहे थे तो जयपुर का रथ तो दिखाया, तो इसलिए हम लोग अजमेर में रुके गए। आज आप रेलवे स्टेशन आए हो? जी हाँ। तो आपको क्या व्यवस्था सही मिल रही है? व्यवस्था तो नहीं है सर, दिक्कत तो हो रही ना, खाने पीने तो क्या, नाश्ता भी नहीं है, सुबह से भूखे सर। आपके साथ बच्चे भी आपने बताया? जी हाँ, मेरी बड़ी बहन है और छोटी बच्ची है एक। गुड नाइट। शमीम शेख। कलकत्ता से अहमदाबाद आए थे, अहमदाबाद हॉस्पिटल में वहाँ पे इलाज करवाना था भाई का, तो वहाँ हॉस्पिटल भी सारे बंद होने लगे, वो बोले अभी कोई इलाज होगा नहीं, जो होगा कुछ दिन बाद होगा। तो हम लोग ने अहमदाबाद से ट्राई किया कलकत्ता जाने के लिए, अहमदाबाद से कोई साधन नहीं था, तो हम लोग ने सोचा अहमदाबाद से पास में है अजमेर, तो अजमेर की गाड़ी मिली थी, अजमेर हम लोग से अहमदाबाद से अजमेर आ गए। अब अजमेर आने के बाद यहाँ भी देख रहे वही हालत है, ना कोई होटल है ना कहीं जाने की सुविधा है, तो हम लोग बुरे बहुत फंसे हुए हैं। तो सर किस तरीके की परेशानी उठानी पड़ी? बहुत खाने पीने की परेशानी है, रहने की परेशानी है, हम लोग ना रोड पे रह सकते हैं ना स्टेशन में भी रहने दे रहे हैं, कहीं नहीं रहने दे, पूरे तरीके फंसे हुए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप? अभी फिर भी देख रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं। आपका नाम बताएं, कहाँ से? सिकंदर खान, कोलकाता से। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।